वेलकम टू myacats.com। चलिए अब हम क्वेश्चन 9 देखते हैं। ये है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 200 पीपल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। तो 200 लोगों का ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये बोल रहा है 50 हैव टाइप ए ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप मेरा 50 लोगों का है। 65 हैव बी ब्लड टाइप। बी जो है वो 65 लोगों का है। 70 हैव ओ ब्लड टाइप। जो ओ है वो मेरा 70 लोगों का है। एंड 15 हैव टाइप ए बी। और ए बी जो है वो मेरा 15 का है। तो टोटल हो गया 5 प्लस 10 0 1 कैरी 6 6 6 12 और 1 13 7 20। तो टोटल ये 200 पीपल हैं मेरे। अब देखिए, अब ये आगे बोल रहा है इफ़ अ पर्सन फ्रॉम दिस ग्रुप इज़ सेलेक्टेड एट रैंडम। अगर इस ग्रुप में से हमने कोई एक आदमी रैंडमली चूज़ किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन हैज़ ओ ब्लड टाइप। अब मेरा सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? सैम्पल स्पेस में मेरे हैं 200 एलिमेंट्स। तो एन एस मेरा 200 है क्योंकि मेरे 200 पीपल हैं, उनमें से मुझे एक रैंडमली चूज़ करना है। अब मेरी इवेंट क्या है? इवेंट है मेरा ओ ब्लड टाइप। तो ओ ब्लड टाइप मेरा कितने लोगों का है? ओ ब्लड टाइप मेरा 70 लोगों का है। इसका मतलब जो एन ई है वो मेरा 70 है। अब मेरी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होता है मेरा एन ई बाय एन एस। तो एन ई है मेरा 70, एन एस है मेरा 200। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/20। चलिए अब हम क्वेश्चन 10th का ए पार्ट देखते हैं। ये है मेरा अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन इज़ ग्रेटर देन 4। अब एक्सपेरिमेंट है मेरा, डाई इज़ रोल्ड। अब जब मेरा डाई रोल होता है तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा? या तो एक आ सकता है, या दो, या तीन, या चार, या पाँच, या छः। तो मेरा जो एन एस है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें मेरे 6 एलिमेंट्स हैं। अब मेरी इवेंट क्या है? इवेंट है मेरी द नंबर ऑब्टेंड इज़ ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से बड़ा हो नंबर आना चाहिए। तो इवेंट के अंदर मेरे 2 एलिमेंट्स हैं, या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो एन ई में मेरे कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें मेरे 2 एलिमेंट्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी होती है मेरी एन ई बाय एन एस। तो एन ई है मेरा 2, एन एस है मेरा 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। अब हम क्वेश्चन 10th का बी पार्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन हमने उछाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली दैट वन हेड ओनली इज ऑब्टेन। इसका मतलब मेरी दो कॉइन्स थी और मैंने ये दोनों कॉइन्स उछाली, तो मेरी या तो पहली कॉइन में हेड आएगा और दूसरे में टेल आएगा, या पहले में हेड आएगा दूसरे में भी हेड आएगा, या पहले में टेल आया और दूसरे में टेल आया, और पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आया। तो ये जो मेरा सैम्पल स्पेस है इसमें मेरे 4 एलिमेंट्स हैं। तो एन एस हो गया मेरा 4। अब मेरी इवेंट क्या है? मेरी इवेंट है दैट ओनली वन हेड ओनली इज ऑब्टेन्ड, ओनली वन हेड। अब ओनली वन हेड मेरा किस केस में आएगा? या तो एच टी हो, ये वाला केस। ये जो केस है इसमें तो मेरे दोनों हेड्स हैं, तो ये वाला नहीं आएगा। इसमें मेरे दोनों टेल्स हैं, ये भी नहीं आएगा। और ये है मेरा टेल्स और हेड, तो ये भी आ सकता है। तो मेरे इवेंट के अंदर 2 एलिमेंट्स हो गए, एक हेड टेल और एक टेल हेड। तो एन ई में कितने एलिमेंट्स हो गए? 2 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी होती है मेरी एन ई बाय एन एस। एन ई है 2, एन एस है मेरा 4, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। चलिए अब हम 10th क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं। ये है मेरा टू डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज़ इक्वल टू 5। अब जब 2 डाइस रोल करूँगा तो मेरा सैम्पल स्पेस कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें टोटल मेरे 36 एलिमेंट्स हैं। तो एन एस हो गया मेरा 36। अब मेरी इवेंट क्या है? इवेंट है मेरा कि ये सम इज़ इक्वल टू 5। जो सम आ रहा है वो 5 के बराबर आना चाहिए। तो ये मेरा कैसे आ सकता है? या मेरा पहली डाइस पे 4 हो, दूसरे में 1 हो, या 1 और 4 हो, या पहले में 3 हो दूसरे में 2 हो, या पहले में 2 हो या दूसरे में 3 हो। इसका मतलब मेरा जो इवेंट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। तो एन ई हो गया मेरा 4। अब प्रोबेबिलिटी होता है मेरा एन ई बाय एन एस। ये हो गया 4
डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया 1/9 के बराबर। अब हम क्वेश्चन 10th का डी पार्ट देखते हैं। ये है मेरा, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड से हमने एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द किंग ऑफ हार्ट। अब देखिए मेरा सैंपल स्पेस है, उसमें कितने हैं एलिमेंट्स? सैंपल स्पेस में मेरे 52 एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि मेरे डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, तो एन एस हो गया 52। अब मेरी इवेंट क्या है? इवेंट है मेरा किंग ऑफ हार्ट। अब ये जो सारे कार्ड्स हैं ये मेरे हार्ट्स के कार्ड्स हैं, और इसके अंदर किंग ऑफ हार्ट कौन सा है? किंग ऑफ हार्ट मेरा ये वाला है। तो मेरा कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? एन ई में मेरा एक एलिमेंट है, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो होती है मेरी एन ई बाय एन एस। एन ई हो गया 1 और एन एस हो गया 52। तो 1/52 मेरा इसका आंसर है। प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट्स। Please subscribe to our channel for more educational videos. Do like it and share it with your friends.